करौली जिले में कांग्रेस सेवा दल पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन एवं सदस्यता अभियान चलाया गया, जहां ग्राम पंचायत चिंगी टोला में सेवा दल कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान सदस्यता अभियान चलाकर सैकड़ों लोगों को कांग्रेस सेवा दल पार्टी से जोड़ा गया। सेवा दल जिलाध्यक्ष रुपेश चंद पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोगों से वादा किया था 15-15 लाख सभी गरीबों के खाते में डाल दिए जाएंगे, लेकिन आज तक किसी भी व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए। मोदी की केंद्र सरकार ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए कहा था, लेकिन आज देश में स्थितियाँ यह है कि गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियाँ काम कर रही थी, उनको बेचने का काम मोदी सरकार कर रही है। केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार लोगों से झूठे वादे कर सत्ता में वापस आई है। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री बंसमणी वर्मा, विशिष्ट अतिथि पूर्व महापौर रेणु शाह, जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष अशोक शाह, पंचायत सदस्य नंदकेश सिंह, महिला जिलाध्यक्ष स्वामली दुबे, सेवा दल जिलाध्यक्ष रुपेश चंद्र पांडे सहित सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे।